अरे नहीं नहीं, सदा सुहागन रहिए, हमेशा मस्त रहिए। दिव्या जाओ, दोनों बहू को जो है उनका कमरा में ले जाओ एकदम संभार के, और आने सामान जो है ना वो आंचल में ही रखना है। अरे संदी जी, भला जी ना, सब कुछ ठीक तो है ना भैया? और आपने ये अचानक से ये खिलौना का बिजनेस भी कहाँ स्टार्ट कर दिया? देखो ठीक तो नहीं है सब कुछ है, पर अभी कहा है कि अब बैंक में ना हम अर्जी दिए हैं लोन के लिए, अब बिजनेस करने वाले हैं खिलौने का, तो एक बार लोन हो जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा, काम भी चालू हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप बोलिए तो कुछ हम मदद करें क्या आपका? ऐसा है कि तुम मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ देंगे हम। अभी ऐसा है कि अभी कुछ काम नहीं है, जब काम चालू हो जाएगा दो महीने के बाद, जब बच्चा हो जाएगा ना तो हम थोड़ा बिजी हो जाएंगे घर में, तब तुम हमारा जो धंधा है थोड़ा संभाल लेना, समझे? अरे भैया दो महीने के लिए काहे वेट करेंगे, हम आपका काम अभी तो संभाल लेते हैं ना, आप बस भाभी जी का ध्यान रखिए। दुलारी दीदी आई, जो सॉलिड है उसका कमरा दिखा दीजिए, आज से यही रहेगा हमारे साथ। ठीक है, पैर देखो, पैर बहुत सूज गया है, ऐसा लग रहा है। दिखाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम रहना जो रहना। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, दिखाओ। थैंक यू सिस्टर रागिनी, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अगले हफ्ते तुम्हारी डिलीवरी की डेट है ना? फिर जब छोटे ठाकुर आएंगे ना तो बहुत खेलेंगे उनके साथ, पता है हमें वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भी हो रहा है, क्या कहते हैं तुम्हारे अंग्रेजी में, एक्साइटमेंट। हाँ वही, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट। देख रहे हो भैजू, इन दोनों ने तो अभी से हमको इग्नोर करना शुरू कर दिया। सही कह रहे हैं भैया आप, आई दोनों बैठ के बतिया रही हैं आपस में, और इनके जो पति हैं चुपचाप कोने में खड़े होके कुड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना लेके खड़े हैं, बताओ। एकदम सही सुने हैं मिस्टर जी आप, पता है जब हमारे छोटे ठाकुर आ जाएंगे ना फिर हम आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अच्छा ठीक है, देख लेना। हाँ हम भी सेम टू सेम करेंगे। चलिए अब आप दोनों अपनी अपनी थालियां बाहर रखिए और काम पे जाइए। खा लीजिएगा। अरे रागिनी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अरे वो देखो कितनी जोर से लात मारता है हमें। हाँ ऐसा लगता है फुटबॉल के मैच पे जाके ना वो फुटबॉल खेलेंगे आते से। आराम से छुट्टी चाहूंगा। एकदम सही है, इंडिया को चाहिए भी एक फुटबॉल प्लेयर एकदम। हाँ, और यहाँ तैयार हो रहे। अनुराग जी वो टेंडर का क्या हुआ, वो डिक्लेयर होने वाला था ना टेंडर वो? अरे तुम लोग काम की टेंशन मत लो, हम दोनों हैं ना उसके लिए संभाल लेंगे। मिस्टर जी लेकिन ना आप अकेले, हम है ना, बाबू जी भी है ना, तो आप इस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी हेल्थ को ठीक रखना और आने वाले छोटे ठाकुर को संभालना, है ना, बाकी की जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो, तो तुम उनको संभालो, काम हम लोग संभाल लेंगे। क्यों संभाल लेंगे, ठीक चल रहा है काम, बिल्कुल चिंता मत करो। मैडम जी खाना खा लेना, ठीक है? हाँ खा लेंगे, खाना खा लीजिएगा, ठीक है चलिए। रागिनी हम जानते हैं घर में थोड़ी टेंशन तो है, लेकिन इस घर की एकता और सच्चाई, इन दोनों से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सब बदल जाएगा, हमें पूरा यकीन है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम दोनों अपना मूड अच्छा रखें। आज हमारी जिंदगी में संकट आया है लेकिन कल टल जाएगा। भैया आप ही की तरह हम भी ना मैडम जी को समझाते रहते हैं कि टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, इससे बच्चे पे असर पड़ सकता है, लेकिन हमारे बात का कोई असर ही नहीं होता उन पे। बैजू घर के हालात ठीक नहीं है और जाहिर सी बात है इसका असर उन दोनों के दिल पे ही पड़ता होगा। मुझे तो लगता है कि इस बार भी टेंडर मुझे नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैंने कई जगह अप्लाई किया है, शायद कोई कंसल्टेंट की जॉब मिल जाए मुझे।
और तुमने वो लोन लिया था ना, आई थिंक बात चल रही थी तुम्हारी बैंक में वो खिलौनों के बिजनेस के लिए, उसको क्या हुआ, बात आगे बढ़ी क्या? अरे कहां बात आगे बढ़ी, रेंग रेंग के बात आगे बढ़ रही है, पर टेंशन मत लीजिए, अभी वो लोन हमको मिल जाएगा, आई सॉलिड भी आ गया है हमारी मदद करने के लिए, तो जो काम है ना वो जोर पकड़ लेगा, हम जो कुछ भी कर पा रहे ना भैया, ये आपके मार्गदर्शन दिखाने के बाद आपके बिना कुछ संभव नहीं था। समय बदलते देर नहीं लगता मेरे दोस्त, और जो भी होगा ना अच्छे के लिए होगा। रागिनी देखो ना, हमारे भैया ने कनाडा से क्या क्या भेजा है, क्या भेजा है दिखाओ। वैसे ये सब कुछ ना माँ की ही पसंद होगी। अरे सब कुछ जोड़े में भेजा है। ये देखो दो दो किताबें दिखाओ, सब सब दो दो आया है, दो दो कपड़े। अरे वाह। पता है हमारे मिस्टर जी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनका संतान जो है वो लड़की हो। तुम्हारे मिस्टर जी चाहते हैं कि घर में जूनियर रागिनी आए, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दबंग और प्यारी। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर जी यही चाहते हैं? क्योंकि हमारे बैजू को भी बेटी चाहिए, वो भी बिल्कुल हमारे जैसी। ये पापा लोगों को ना बच्चियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ना? और तुम हमारी बात लिख लो, ये दोनों पापा लोग मिलकर अपनी बेटियों को खूब बिगाड़ेंगे, जैसे हमारे पापा लोगों ने हमें बिगाड़ा है। वैसे तुमने बताओ ना बच्चे का नाम क्या सोचा है? हम और मिस्टर जी सोच रहे थे कि हमारी लड़की होगी तो हम उसका नाम रखेंगे अग्नि। अनुरागिनी की अग्नि, अच्छा लगा? बहुत अच्छा नाम है। और तुमने कहाँ सोचा है? अरे हमारे यहाँ तो इस बात पर रोज झगड़ा होता है, कोई नाम फिक्स हो ही नहीं पा रहा है। काहे? लेकिन बैजू कह रहे थे कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम साक्षी रखेंगे, और सच बताएं साक्षी नाम हमें भी बहुत पसंद है। हमें भी बहुत अच्छा लगा साक्षी नाम, अग्नि और साक्षी, एकदम है डन। हमारी जिंदगी देखो ना आप, सृष्टि कैसे पलटी खा रही है, कल कुछ और ही था, आज देखो कुछ और ही है, और आने वाले कल में जो है कुछ पता नहीं कहाँ होगा। आज हमारी जिंदगी में संकट आया है लेकिन कल टल जाएगा, और फिर दूसरा संकट आ जाएगा और वो भी टल जाएगा। बस हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें और उनके अंदर कोई कड़वाहट ना आए। नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमें लग रहा है हम दोनों की ना लड़कियां ही होंगी। हमें भी ऐसा ही लगता है। लग रहा है ना? तुम्हें कैसे पता? जैसे हम दोनों ने मिलके कैसे पूरे परिवार को संभाला है, हर मुसीबत का मुकाबला किया है, हर वक्त साथ खड़े रहे हैं, वैसे ही वो दोनों भी एक दूसरे के साथ खड़ी रहेंगी। हे भगवान, तुम हमारा कोनो इच्छा पूरा करो ना करो, लेकिन इन दोनों का ना हर सपना पूरा करना, यही प्रार्थना करते। हाँ खबर बिल्कुल पक्की है। अरे अभी लोगों के पास ना कुछ भी नहीं बचा है, ये जो कोठी में रह रहे हैं ना ये भी इनका नहीं है। अरे बहुत ही बुरा हालत में है ये लोग, लेकिन एक अच्छी बात ही है ना, ये जो बैजू है ना ये हम पर आंख बंद करके भरोसा करता है, तो इसके टेम्पूज और ट्रक में हम आराम से ड्रग सप्लाई कर सकते हैं। हम आगे के बाद में बताएंगे। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगा, आज कुछ होगा तो हमको क्या, फंसेगा बैजू। ठीक है हम रखते हैं। पापा ये दिव्या की कॉलेज की फीस तो हम लोग बाद में दे सकते हैं, इस बार वो मेडिकल और दवाइयों का खर्चा बहुत है, आई थिंक उनको चुकाना जरूरी है क्योंकि आगे फिर जरूरत पड़ेगी। पर बेटा अब लाइट बिल भी तो है, इस महीने तो उसको भरना ही पड़ेगा ना, कह के पिछला महीना भी हम लोगों ने नहीं भरा, नहीं तो लाइट कट जाएगा। श्रीमती जी देखिए ना। हम देखते हैं। आइए आइए राम प्रसाद जी। नमस्कार। आपने आने का तकलीफ क्या उठाया अम्मा, आइए आइए ना बैठी। अरे हमको बोल दियो तो हम खुद ही हाजिर हो जाते, बैठी। कोई बात नहीं, वो क्या है ना विद्वान जी, अब बोलते हुए तो संकोच हो रहा है लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आप बैंक से पैसा लिए थे,
जिसका सिर्फ सिर्फ एक बार किस्त भरे हैं, बाकी के सब नीलबट्टा सन्नाटा। हम जानते हैं राम प्रसाद जी, तीन चार दिन का मोहलत और दे दीजिए, हम कहीं से भी इंतजाम करके खुद आ जाएंगे आपको चेक देने। विद्वान जी, आपके जुबान का पूरा जिला कदर करता है, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। चलते हैं। मैं चाय भर तो पी के जाइए ना। नहीं नहीं नहीं, अरे इधर से हम जा रहे थे तो सोचे आपसे मिलने, चाय कभी पी लेंगे, चलते हैं। जी जैसे आपकी इच्छा, नमस्कार जी। सुनिए, जो राम प्रसाद जी लोन के बारे में बात कर रहे थे, इस बारे में आपने हमसे कुछ बताया नहीं। माँ, वो शेखर ने विशु बन के कुछ बैंक से बड़ा अमाउंट का लोन लिया था, अब उसे चुकाना तो पड़ेगा ही। हे भगवान, एक और नया मुसीबत। पर माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, ये जो है ना, हमर भैया मिलके संभाल लेंगे, है ना। पर बेटा, हम सबको एक बात का ध्यान रखना होगा। देखो, ये बात हम चारों के बीच में रहना चाहिए, कहे कि बहुओं को ऐसी हालत में अगर इन सब बातों का पता चलेगा तो मतलब ठीक नहीं है उनके लिए, समझ रहे हो ना। सही कह रहे हैं आप, हम कुछ नहीं बताएंगे। तुम दोनों भी खास ध्यान रखना बेटा। हाँ, खबर एकदम पक्की है, अब इनके नाम पर ना कुछ भी पैसा नहीं बचा है, और साला कर्जा तो इतना चढ़ गया है ना कि ना चुकाए ना चुकेगा कभी। अब बस ये जो बैजू का खिलौना वाला फैक्ट्री है ना, इस पे सारे लोग निर्भर हैं, लेकिन उसको तो बर्बाद करने के लिए हम आ गए ना यहाँ पे। ये जो बैजू है ना, इस साला शादी करने के बाद जब से इस घर में आया ना, एकदम शरीफ सा हो गया है। हम भी सोचे थे कि इसका साथ देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन साला हमको तो आदत है ना हराम का खाने का। हमको चाहिए पैसा, पावर, जैसे हम पहले दादा हुआ करते थे ना, वैसे। ठीक है, तो हम आपको यहाँ से खबर देते रहेंगे जो कुछ भी होगा, और आपको ना जितना फायदा उठाता है ना बैजू का, उठाते रहिए, काहे कि बैजू जो है ना, हम पर आंख बंद करके भरोसा करता है। ठीक है, चलिए। कहा बनाए हो दुलरिया, अनार का जूस कहे थे हम। फुआ, तुमसे कुछ छुप रहेगा, रोज रोज अनार कहाँ से आएगा बताओ, न एक किलो अनार न दो किलो अनार, अब नहीं है अनार तो गाजरे का जूस बना दिए हैं, वो खत्म हो गया। देखो दुलरिया, हम लोग ना नमक रोटी से भी काम चला लेंगे, लेकिन इन दोनों का खुराक में ना हम कोनो समझौता नहीं कर सकते। तुम जाओ स्टोर रूम में ना, हम एक छोटा डिब्बा में थोड़ा बादाम रखे हैं, ले आओ, हम इनके लिए हलवा बना देते हैं। है, पता नहीं का जूस बनाई है, पानी डाल के बनाई है का। सासू माँ, हम दुलारी दीदी को बोल के ऐसा जूस बनवाए हैं, वो कहा है कि हम दोनों ही जो है ना ये रोज रोज अनार का जूस पी के हम दोनों का मन जो है ना वो एकदम भर गया है। क्यों सिस्टर? बिल्कुल, और हम भी तो वही खाएंगे पिएंगे जो रागिनी खाएगी, आखिर हमारी जेठानी है। लाते हैं, वो हम ठहरे क्राइम पार्टनर। हाँ, आई लो। अच्छा ठीक है, तो फिर अब देखते हैं कि सबसे पहले जूस जो है वो कौन खत्म करता है। ठीक है, गले में अटकेगा और फिर खांसी आएगी। कुछ ये दोनों हमारी गरीबी में भी हमको गरीबी का एहसास नहीं होने दे रही हैं। बहुत भाग्यवान हैं हम जो हमको ऐसी बहुएं मिली हैं। सिस्टी आंटी, मेरी फ्रेंड को बाहर निकालो ना, हमें खेलना है।
नहीं, हम अभी बाहर नहीं आएंगे। आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, और फिर जब हम बाहर आएंगे ना, तो खूब मस्ती करेंगे, खूब खेलेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे और हाँ। अपने पापा को खूब तंग करेंगे। सबसे महंगे वाले स्कूल जाएंगे। हम अपने पापा की तरह खूब मेहनत करेंगे ताकि कामयाबी हमारे पीछे पीछे चलकर आए, है ना? मैडम जी, ऐसा है ना कि हमारी जो बेटिया होगी ना, वो बहुत बहादुर होगी, क्योंकि वो उसकी जो माँ है ना, वो बहुत बहादुर है। लेकिन ये जो महंगे स्कूल में जाने का जो सपना है ना हमारा, ये हमसे मत छीनिए। बहुत लगन से काम कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको महंगे से महंगे अस्पताल में लेके जाए। डॉक्टर ने भी बोला है आपको कि ना, आपको स्पेशल केयर की जरूरत है। और उसके बाद जब बेटिया हमारी आएगी ना, तो हमारी बेटिया और हमारी भतीजी आई दोनों को हम ना महंगे से महंगे स्कूल में भेजेंगे। हमारा सपना है ये, इसी के लिए तो हम डबल ट्रिपल चार गुना मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे भी हमारा लोन पास हो गया है। सच में? अब ना वो खिलौने का जो फैक्ट्री है ना, वो डालने के लिए हमको जगह की जरूरत है, दुकान की। और फिर इसके बाद अपना काम चालू करना है। और खिलौने का जो है अपना काम चालू करेंगे। आई देखिए सैंपल, आई लीजिए मिठाई का डब्बा, मीठा खाइए। मैजू, ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो ना, जल्दी से जाकर घर में सबको बता देते हैं। और मिठाई सबसे पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद मिठाई खाएंगे। एकदम सही बोला आपने, एकदम। पहले जाके माँ जी और बाबू जी को बता देते हैं। I'm proud of you. मतलब? हमें आप पे बहुत गर्व है। हाँ, वो तो होगा ना, क्या हम बहुत काबिल हैं, टैलेंटेड हैं। और वो होनहार हैं। होनहार और कुछ? आई चलिए, बस हो गया। आई 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 गोद में उठा ले। तो लरिया, आई भोग हम चढ़ा दिए, सबको प्रसाद में बांट देना है। भेजो बेटा, ये माता रानी की कृपा से ना, तुमको जो है तुम्हारा काम के लिए बैंक का लोन मिल गया है। बस माता रानी की कृपा से तुम खूब तरक्की करो। मुबारक। क्या बात है, लोन पास हो गया? हाँ जी। चलो अब सब काम आराम से हो जाएगा, और ये बात सुन के तो मन खुश हो गया है। और हाँ, तुम्हें कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो मुझे जरूर बोलना। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं आपके हिम्मत और आपके ज्ञान से और आपका जो पढ़ाई है उससे ही तो कर पा रहे हैं। पर अब हम ना बहुत मेहनत करेंगे, बहुत बहुत लगन से काम करेंगे हम। अच्छी बात है। और काम में इतना भी मत मगन हो जाना कि हमारी बहू का ध्यान रखना भूल जाओ। मैं तो रोज खाओगे हमसे चार बातें सुनोगे। आई सॉरी, चलो तुम्हें बताना है कुछ, आ जाओ। माँ, वो रागिनी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? अनुराग बाबू, बड़की भौजी तो अपना बाबूजी की यहाँ गल है। क्या? मेरा मतलब है, उसने मुझे बताया भी नहीं। और माँ, इस हालत में आपने उसे जाने कैसे दिया? बेटा, हम जानते हैं कि ऐसा हालत में जो है बहू को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन कहा है ना, उसका गोद भराई में जो है समधन जी आ नहीं पाई थी, उनका तबियत खराब था, तो वो मिलने गई है अपनी अम्मा जी से। अब समधी जी जो है गाड़ी भिजवा दिए थे, इसीलिए हम भेजे हैं। तू फिक्र मत करा है, अब शाम तक लौट आएंगे। ठीक, इतना अच्छा खबर है। अब बैजू भैया अपना काम शुरू करें। प्रसादी से शुरुआत कीजिए बड़का पापा। फुआ, लो